गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है, उसका जो टॉपिक होने वाला है वो है मेरा एक्सपीरियंस रिवाइव क्लिनिक पे। ठीक है गाइस, सो मैं गई थी रिवाइव क्लिनिक फॉर माई स्किन। जैसा कि आपको पता है कि भाई मैं मेरे पिंपल्स के बाद जैसे स्कार्स और पोज रह जाते हैं वो रह गए थे मेरे, और मैंने ट्रेटनॉय क्रीम भी यूज़ करी है। सो, कोई फंक्शन था और मेरी मासी की शादी आने वाली थी, तो मैंने बोला क्यों ना इनको जल्दी ही वो किया जाए और लेज़र करवाया जाए। या गाइज, मैं आपके साथ लेज़र का भी वीडियो शेयर करूँगी गाइज। सो उन्होंने मेरे को रिकमेंड करे हैं अभी 5 लेज़र, ठीक है, रिवाइव क्लिनिक में। और जो जो भी चीज़ होगी, जो जो प्रिकॉशंस वगैरह होंगे, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फ़ायदा क्या होता है यही बताऊँगी, और मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं यही बताऊँगी। या वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला डे जब मैं रिवाइव क्लिनिक में गई थी, मैं बताऊँ, मैं फरीदाबाद के जो रिवाइव था ना स्किन और हेयर क्लिनिक, उस पे गई थी। यार बताऊँ, एम्बियंस बताऊँ, बहुत ही मस्त था। और क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने एंटर करा ना, मतलब यार उनका पता नहीं क्या वो था कि वो चप्पलों को ना बाहर उतार के आना था, और मैं चप्पल पहन के घुस गई। तो यार मैंने देखा कि हैं, सारे बंदे बिना चप्पल के घूम रहे, एवन तो वहाँ के जो वर्कर थे ना वो भी पैर घूम रहे थे वहाँ पे, और मेरे ख्याल से डॉक्टर भी शायद नंगे पैर ही बैठा होगा अंदर। फिर मैं गई, मैंने ये क्या करा, मैं जल्दी से बाहर गई और मैंने अपनी चप्पल उतारी। फिर मैं उनसे मिली, क्योंकि मैं उनसे इसलिए, संदीप महेश्वरी है शायद उनका नाम, संजीव या संदीप है, ठीक है, तो वो मेरे नोन के कोई है, उनका नोन का कोई है, समझ गए, मतलब मेरे नोन का है कोई, वो उनके नोन के है। इसलिए उन्होंने मेरे को शायद बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करी, और बहुत ये नहीं कह सकती, और अगर आप भी जाओगे ना तो ये नहीं है कि भाई मेरी जान पहचान का था तो इसलिए बहुत अच्छे से करी, पर आपकी भी अच्छे से ही करेंगे भाई, फीस ले रहे हैं तो उनके लिए सभी बराबर है। और वो सच्ची बताऊँ, मैं बहुत अच्छे से देखी, उन्होंने हर चीज़ देखी रुक के, और जो जो मेरी क्वायरी थी मैं साथ के साथ पूछती गई, और वो साथ के साथ बताते गए कि भाई ये है ये है ये है। उन्होंने मेरे को सबसे पहले 21 डेज के लिए ना, मतलब कुछ प्रोडक्ट दिए कि कुछ मार्क्स वगैरह हैं या कोई पिंपल है, उनका पहले ठीक करते हैं फिर आपका लेजर करेंगे। मैंने बोली ठीक है, ओके। उन्होंने ना 21 दिन की दवाई लिख के दी थी, और जो प्रोडक्ट थे, जो दवाइयाँ थी, उनके पास अवेलेबल होती ही हैं, तो उनसे ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चीजें मतलब सब चीज की सुविधा है उनके क्लिनिक में, एक तरह से आपको बता देती हूँ। यहाँ उन्होंने जो मेरे को रिकमेंड करी थी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये थैला सा। बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट सा। और अब मैं आपको एक धीरे धीरे चीजें दिखाती हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे को चीज दी वो थी ये टैबलेट्स 21 डेज के लिए सुबह और शाम। नाम तो डेक्सी फोर्ड करके है कोई, ठीक है। और बट यार बताऊँ क्या होता है मेरे साथ, क्या होता है कि मैं इनको लेती हूँ सुबह तो ठीक रहता है, पर जैसे रात को लेके सोती हूँ ना, कोई एसिड सा बनता है, सुबह मेरा इतना जी खराब होता है, मतलब ऐसा फील होता है कि उल्टी से आएगी, छी, इतनी गंदा टेस्ट होता है। इवन तो मैं उठते ही ना हल्का सा वार्म वाटर पीती हूँ, पर वार्म वाटर पीने के बाद भी मुझे फील होता है यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना गंदा फील होता है बहुत। ये थी, 4 दी थी और थोड़ा तो बीच में रुक गई, मैंने स्किप कर दिया और मैंने लेना बंद कर दिया। और जो सेकंड है वो है ये रेटी ग्लो का नाइट सीरम। ये ना जैसे हम, आपको पता है ना, रेटिनो जेल यूज करा था, सेम वो ही है, सेम वो ही, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगी कि भाई साहब, वो क्रीम ना आपको बहुत इजीली बहुत सस्ते में मिल जाती है, और 200 रुपए के अराउंड मिलती है शायद, और ये एक छोटा सा सीरम है, नाइट सीरम, ये देखो आप भाई साहब, इसकी जो MRP है ना, मैं चौंक गई इसको देख के, इस पे 902 रुपए लिखा पड़ा है। ये दिखाई नहीं देगा कैमरे पर, मैं बता रही हूँ, बट आपको 902 रुपए का सिर्फ ये, इससे वजह तो रेटिनो जेल है, बट कोई नहीं, उन्होंने रेकमेंड करा तो ये लगाना पड़ रहा है और लगा रही हूँ मैं, कोई नहीं।
और हाँ उन्होंने मेरे से ये बोला था कि अगर आपकी स्किन पर से, जैसे ये आप सीरम है, रेटिनो जेल वगैरह कुछ भी आप लगाते हो ना, तो आपकी स्किन लेयर बाय लेयर हटती है। तो उन्होंने बोला अगर रफ हो या फिर स्किन खिंची खिंची लगे ना, तो हम आपको ना एक क्रीम दे रहे हैं, तो आप उस क्रीम को लगा लेना, ठीक है। पर सच्ची बताऊँ, रेटिनो से मेरी इतनी स्किन हटती थी, इतनी स्किन हटती थी, सो इससे मेरी बिल्कुल नहीं हटी। और इन्होंने ना मेरे को उसके प्रिकॉशंस के लिए ये वाली क्रीम दी थी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी और ना मैंने इसको खोला है, क्योंकि ना मेरी स्किन खिंची इधर उधर से कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं खिंची तो वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाती मेरी। और एक क्रीम थी जो पिंपल्स के लिए, उन्होंने थोड़े बहुत पिंपल्स मेरे यहाँ पे ऐसे हो रहे थे दी थी, बट पता नहीं क्या गलती थी, उनकी गलती थी क्या दी थी, कि वो जो क्रीम थी ना वो एक्सपायरी थी। एक्सपायरी मतलब अब जून में मैं दवाई लेके आई हूँ, तो अगस्त 2022 उसकी एक्सपायरी थी, तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी थी, तो मैंने वापस कर दी, भैया मेरे को नहीं चाहिए वो, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने मेरे को ये दी थी एक सनस्क्रीन, भाई रेटिनो जेल लगाएंगे या रेटिनो कोई सी भी क्रीम लगाएंगे जिसमें रेटिनो है, तो मुझे पता है कि वो मतलब सेंसिटिव हो जाती है धूप में जाने पे आपकी स्किन, ठीक है, और ब्लैक वगैरह हो सकते हैं, ब्लैक स्किन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने SPF 50, PA++++, PPPS है सनस्क्रीन एक्वा जेल, पर ये जेल नहीं है सच्ची बताऊं, एकदम मतलब क्रीमी सा टेक्सचर है उसका, और क्रीमी सा टेक्सचर है उसका, और जेल तो बिल्कुल नहीं है, और चिपचिपी सी है यार, मतलब जेल लिख रखा है, धब्बा नाम पर धब्बा। और ये रिकमेंड कर रहा था कि 4-4 घंटे में आपको लगानी है, सो मैं लगा लेती हूँ उसको, अब चल देखते हैं 21 दिन बाद क्या होता है, ठीक है। अब तक तो ठीक ही है, और जो लेज़र का जो भी एक्सपीरियंस होगा, हर लेज़र पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और अगर क्वायरी है कुछ भी, या फिर आप मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने करवा रखा है लेज़र वगैरह, अगर कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए, रिकमेंड करिए कोई चीज़ें, या फिर कोई और डॉक्टर, कुछ भी वट एवर, ठीक है। वरना तो मैंने फिक्स कर लिया अभी इन्हीं के पास जाना है, ठीक है, कि जा ही रही हूँ तो। पर आपके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं तो मुझे पक्का शेयर करिए गाइज, और या वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, ठीक और है। घंटी बजा देना हाँ ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल, बाय 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 बाय।